हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11th के प्रीहिस्टोरिक रॉक पेंटिंग चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो इस चैप्टर्स में बेसिकली बताया गया है कि जो रॉक पेंटिंग्स थी प्रीहिस्टोरिक टाइम की, वो कैसी थी, कौन कौन से सब्जेक्ट थे उसमें और कौन कौन से प्लेसेस थे जहाँ से प्रीहिस्टोरिक रॉक पेंटिंग इंडिया में पाई गई है। तो वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो आपका ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। और 11th क्लास के साथ साथ हम 12th के भी क्लास के सारे चैप्टर्स की वीडियो अपलोड करेंगे, तो स्टूडेंट्स को इससे बहुत हेल्प मिलेगी और एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। तो प्रीहिस्टोरिक रॉक पेंटिंग चैप्टर का नाम है, तो सबसे पहले हम लोग प्रीहिस्टोरिक के बारे में जानेंगे। तो एक क्वेश्चन आता है प्रीहिस्टोरिक और हिस्टोरिक टाइम पीरियड के में डिफरेंस बताने के लिए, क्या होता है। प्रीहिस्टोरिक और हिस्टोरिक में डिफरेंस बताने के लिए आता है। तो ये प्रीहिस्टोरिक होता क्या है, ये बात होती है बिफोर हिस्ट्री की, मतलब जो हिस्ट्री है हिस्टोरिक और हिस्टोरिक जो हिस्ट्री है पहले जिसे जान लेते हैं तब हमें प्रीहिस्टोरिक समझ में आएगा। तो हिस्टोरिक इज द रिकॉर्डेड इवेंट्स ऑफ द पास्ट। तो हिस्टोरिक टाइम वो होता है जिसके बारे में हमारे पास सारे घटनाओं के सारे इवेंट्स के बारे में हमारे पास रिकॉर्डेड मैटर होता है, रिटन में होता है या किसी दूसरे मीडियम में। प्रीहिस्टोरिक टाइम जो होता है वो इसके पहले की बातें होती हैं, जिसके पास बारे में हमारे पास कोई भी अवेलेबिलिटी नहीं है जिसके बारे में हम जान सकें, मतलब नॉट अवेलेबल इन ब्रिटेन फॉर्म। तो इतना समझ में आ गया कि प्रीहिस्टोरिक क्या होता है, हिस्टोरिक क्या होता है, जिन दोनों में यही डिफरेंस है। हिस्टोरिक टाइम पीरियड वो है जिसके रिकॉर्डेड इवेंट जो भी पास्ट में हुए हैं उसके रिकॉर्डेड चीज़ें होती हैं, हमारे पास अवेलेबल होती हैं, और इसके पहले की प्रीहिस्टोरिक चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हमारे पास कोई भी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो प्रीहिस्टोरिक में यही मेन डिफरेंस है। तो हमें पढ़ना है प्रीहिस्टोरिक रॉक पेंटिंग। तो प्रीहिस्टोरिक रॉक पेंटिंग की बात अगर की जाए तो इंडिया में 1867 से 68 एडी के बीच में एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, आर्किबोल्ड कॉर्नेले एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जो कि इंडिया में 1867 से 68 एडी के बीच में प्रीहिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स को डिस्कवर किए थे। इसके अलावा कुछ और भी आर्कियोलॉजिस्ट थे, एक ही तो रहेंगे नहीं। तो कॉकबर्न एंडरसन एंड घोष, उसके साथ ये भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने उस समय के प्रिमिटिव मैन के जो भी पेंटिंग्स थी, जो भी उसकी लाइफ स्टाइल थी, उसके बारे में जो रॉक पेंटिंग्स थी उसको डिस्कवर किया था। तो एक वर्ड आ रहा है प्रिमिटिव मैन। तो प्रिमिटिव मैन कौन था जिसके बारे में इतनी बात हो रही है कि प्रिमिटिव मैन ने उन पेंटिंग्स को बनाया था, वो प्रिमिटिव मैन ये वो लोग हैं जो उस समय में जो भी केव्स थी उसमें रहते थे। प्रिमिटिव मैन उसको बोला जाता है जो कि उस समय के जो कि केव्स में रहते थे और उन्हीं की लाइफ स्टाइल और उन्हीं के द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स को इन्होंने डिस्कवर किया था। तो
इस समय की जो पेंटिंग्स थी या इस समय की जो रॉक पेंटिंग्स मिली हैं वो कहाँ किस किस प्लेसेस में मिली हैं इंडिया की, एक बार उसे देख लेते हैं हम लोग। तो मध्य प्रदेश में आंध्र प्रदेश में कर्नाटक बिहार यूपी उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड तमिलनाडु केरला उड़ीसा और उत्तराखंड। ठीक, ये वो प्लेसेस थे इंडिया में फेमस प्लेसेस जहाँ पे प्रीहिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स पाई गई हैं इंडिया में, जिसमें से कुछ इम्पोर्टेंट हैं उसके बारे में हम बता देते हैं। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इन प्लेसेस का जरूर हाईलाइट करें और इसमें से कुछ के बारे में बता दें कहाँ पे किस तरह की पेंटिंग्स पाई गई हैं, जिसमें से पहला है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में एक अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड में एक अल्मोड़ा प्लेस है जहाँ पे प्रीहिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स पाई गई हैं। तो उस जगह का नाम है जहाँ पे वो पेंटिंग पाई गई हैं लखुदियार। तो लखुदियार जो नाम था वो ऐसे ही नहीं पड़ा था, उसके पीछे एक ये मेन थिंग्स हैं। वहाँ पे 1 लाख केव, वहाँ पे 1 लाख केव पाई गई थी, जिसके अकॉर्डिंग वहाँ का नाम लखुदियार रख दिया गया था। तो उत्तराखंड का जो ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे प्रीहिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स पाई गई, करीब 1 लाख केव्स थी। उसके अंदर जो उस समय का प्रिमिटिव मैन था उन्होंने उस पेंटिंग को बनाया था। तो इसमें वो क्या चीज़ें थी, इस समय की जो लाइफ स्टाइल होती थी, ह्यूमन लाइफ स्टाइल, उसके बारे में वो पेंटिंग्स थी। तो जो इस समय के पेंटिंग्स थी उसमें कौन कौन से पेंटिंग्स किस किस बेसिकली होते थे, तो मैन के फिगर्स होते थे, एनिमल्स के होते थे और ज्योमेट्रिकल शेप्स भी होते थे। उन्हें बहुत अच्छा नॉलेज तो पेंटिंग के बारे में था नहीं, जैसा भी उन्हें आता था वो बना देते थे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती थी। और कलर्स के लिए वो नेचुरल कलर का यूज करते थे, जो भी नेचर से मिल जाए, ब्लैक वाइट एंड रेड ओकर, तो इन कलर्स का वो यूज़ करते थे। तो जो उस समय का जो भी प्रिमिटिव मैन था, जो भी आदमी था, वो मैन एनिमल्स और ज्योमेट्रिकल शेप्स को बनाता था जो लखुदियार में पाई गई हैं। और उसमें वो कलर्स वाइट ब्लैक और रेड कलर्स, रेड ओकर एक लाल कलर की मिट्टी का नाम है जिसे गेरू बोलते हैं, उसे बोलते हैं। तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें मिली हैं। सेकेंड की बात की जाए, सेकेंड में कर्नाटका में और आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में जो पेंटिंग्स पाई गई थी वहाँ पे, उस पेंटिंग्स में ये चीज़ खास देखी गई थी, उसे मतलब तीन कैटेगरी की पेंटिंग्स थी। एक पेंटिंग थी पेंटिंग
जो पेंटिंग थी वो व्हाइट कलर की बनाई जाती थी। एक थी रेड ओकर, एक रेड ओकर कलर से बनाई जाती थी। एक थी जिसमें कि वाइट वाइट बैकग्राउंड था और जो पेंटिंग थी उसके ऊपर वो रेड ओकर से बनाई गई थी। ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के में जो पेंटिंग्स बनी उसकी खासियत थी। और तीसरा जो है वो भीम बेटिका मध्य प्रदेश का है, बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में क्वेश्चन अलग से आता है। भीम बेटिका कहाँ है ये? ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में कहाँ है? विंध्याचल पर्वत सबने सुना होगा, तो उसी पर्वत में, उसी हिल्स में, विंध्या हिल्स, मध्य प्रदेश में विंध्या हिल्स में भीमबेटका केव्स हैं। ये करीब 10 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैले हुए हैं। जो विंध्याचल विंध्या हिल्स हैं वो इतने स्क्वायर किलोमीटर्स फैले हुए हैं, और इसी में करीब 800 रॉक सेंटर्स हैं जिसमें कि ये रॉक पेंटिंग्स पाई गई हैं। कहाँ पे? भीमबेटका में। तो भीमबेटका का डिस्कवर कौन किया था, ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो वी एस वाकनकर थे जिन्होंने भीमबेटका को का डिस्कवर किया था। तो वी एस वाकनकर ने इसका डिस्कवर किया था। कब किया था? 1957 से 58 में इन्होंने इसका डिस्कवर किया था। तो भीमबेटका में किस तरह की पेंट, कौन कौन से सब्जेक्ट होते थे, किस तरह की पेंटिंग्स वहाँ पे पाई गई हैं, इसके बारे में ज़रा देखेंगे। तो डेली लाइफ की जो सीन्स होती थी, मतलब वो रोज़ रोज़ जो चीज़ें करते थे उसको पेंटिंग्स में बनाते थे। जो शिकार करते थे, हंटिंग सीन्स, जो वो शिकार करते थे तो उसको पेंटिंग्स में बनाते थे। डांसिंग सीन्स को बनाते थे, प्लेइंग सीन्स को भी, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो अपने समय में जो भी इंस्ट्रूमेंट उनके समय में थे उसको लेके वो खेलते थे, तो उसकी भी पेंटिंग्स उन्होंने बनाई हैं। और कभी कभी जो शहद कलेक्शन में जाते थे तो उसकी पेंटिंग भी उन्होंने बनाई है। और जो ह्यूमंस, जो उस समय के ह्यूमंस थे उनकी डेकोरेटेड बॉडीज को भी उन्होंने भीमबेटका में बनाया है। तो उनकी, और उस समय वो टाइगर, बाइसन, इन सब को भी अपनी पेंटिंग्स में रखते थे, बनाते थे। गैंडा और भी जंगली जो भी एनिमल्स हैं उनको वो अपने सब्जेक्ट में लेते थे, और जो केव्स थी उनकी वॉल्स पे भीमबेटका, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और भीमबेटका के दो पेंटिंग्स हैं जो कि सेलबस में हैं, एक है रोरिंग एनिमल और दूसरा है विजार डांस। तो जो रोरिंग एनिमल्स है, प्लेस तो भीमबेटका में ही पाई गई है, और मीडियम इसका मिनरल कलर से है। तो ये जो बाइसन दिख रहा है, इसमें एक बाइसन का फिगर बनाया गया है जिसमें कि कई सारे लोग हैं, और जो इसको इसका मतलब हंटिंग सीन है एक, तो इसका शिकार करने का प्रयास कर रहे हैं, और जो बाइसन है वो चिघाड़ रहा है, मतलब चिल्ला रहा है। तो ये पेंटिंग बनाई गई है। और दूसरा जो है विजार डांस, इसमें एक जादूगर बोला गया है कि एक जादूगर है जो कि एक कोई इंस्ट्रूमेंट लेके, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेके बजा रहा है, और कई सारे लोग
एक दूसरे का हाथ पकड़ के डांस कर रहे हैं। तो ये दो तरह की पेंटिंग्स भीमबेटका की आपके सिलेबस में रखी गई है, तो इसकी पेंटिंग्स कुछ इसी तरह से बनाई गई है, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। और जो भी चीज़ जो भी कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए हमें। और इसके आगे जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा 11th का, वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो वो भी चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है भीमबेटका के ऊपर, भीमबेटका के क्वेश्चन के ऊपर कि भीमबेटका की जो भी भीमबेटका केव्स की पेंटिंग को एक्सप्लेन करके लिखी है। और कभी प्री हिस्टोरिक और हिस्टोरिक पीरियड के डिफरेंस को बताता है, कभी कभी इसके आर्ट वर्क को भी पूछ देता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसे एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।